थैंक यू टू वॉचिंग क्रिश रांगे अनलिमिटेड एक्टिविटीज़। आज हम आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं जो कि बेबी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों के वैक्सीनेशन के टाइम पे होने वाले पेन और फीवर से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बेबी के शोल्डर और थाई पे इंजेक्शन लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग और रेडिश होना नॉर्मल है, जो कि बेबी के लिए काफ़ी पेनफुल है। तो इससे बेबी को रिलीफ देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट, जहाँ बेबी को इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आइस को कॉटन के स्टफ़ में लेकर वहाँ दिन में 2 से 3 बार सिकाई करें। सेकेंडली, एक थ्रोम्बोफोब ट्यूब है जो कि आप किसी भी मेडिकल शॉप से परचेज कर सकते हैं, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसको दिन में 2 से 3 बार उसी जगह पे लगाएं, जिससे बच्चे के पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और सेकेंडली उसमें रेडिश और जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इससे इस कंडीशन में फीवर होना तो नॉर्मल ही है, तो उस केस में आप इसमें क्रोसिन के ड्रॉप्स को भी दिन में फीवर के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं बच्चे को। जैसे कि आप जानते हैं, जो ये वैक्सीनेशन है बच्चे को 2 दिन तक काफ़ी पेन में रखता है। जैसे कि आपको खुद ही पता है कि बच्चा नॉर्मल से बच्चे के जो स्किन है बहुत नाजुक होती है और उस पर पेन और रेडिश और स्वेलिंग होना नॉर्मल सा ही है। तो इस केस में हमने खुद भी इसको यूज़ किया है, जो ये थ्रोम्बोफोब ट्यूब है इससे काफ़ी हद तक इस बच्चे को रिलीफ मिला है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी, अगर आपको बेबी का काफ़ी पेन होता है, रेडिश है, स्वेलिंग है, तो उस जगह पर उस ट्यूब का यूज़ करें। सेकेंडली, आइस को भी आप कॉटन के स्टफ़ में लगा के 2 से 3 बार दिन में सिकाई करें, जिससे बच्चे को पेन भी रिलीफ मिलेगा और पेरेंट्स वो भी कम परेशान होंगे और इससे फीवर होना भी नॉर्मल है। तो फीवर वाली कंडीशन में आपको पता ही है, नॉर्मल सा है कि क्रोसिन के ड्रॉप्स आप दे सकते हो, क्रोसिन की टैबलेट है, अगर एक टैबलेट है तो उसके 4 हिस्से कर लीजिए, उसको बुखार के अकॉर्डिंगली आप देते रहिए। तो जितना मेडिसिन कम दोगे और इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करोगे तो बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है उससे में आपको रिलीफ वो भी अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि मेडिसिन देना बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी से आपको 90-80% तक आपको रिलीफ मिल जाएगा और ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दिन तक नॉर्मल रहेगा बेबी। तो इस जो मैंने आपको टिप्स बताया, आप प्लीज़ इसे यूज़ करके देखिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉचिंग क्रिश रांगी अनलिमिटेड एक्टिविटीज़।